हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं वर्ल्ड रेसलिंग न्यूज़। तो गाइस, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। इस वीडियो में हम बात करेंगे, हो चुकी हैं कुछ मंडे नाइट रॉ और स्मैकडाउन लाइव के लिए कुछ सेगमेंट और मैचेस कंफर्म, और हम बात करेंगे अंडरटेकर के रेसलमेनिया के अपोनेंट के बारे। तो गाइस, चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले डब्ल्यूडब्ल्यू ने कंफर्म कर दिया है ऑफिशियली कि वो अगले हफ्ते मैच होगा बेली साशा बैंक वर्सेज अलीशा फॉकनी की क्रॉस फॉर टैग टीम चैंपियनशिप क्वालिफाइंग मैच, और अगला सेगमेंट होगा जहाँ पर स्टेफनी मैकमैन ने इनवाइट किया है बैकी लिंच को। और स्मैकडाउन की तरफ से जो सेगमेंट कंफर्म हुआ है और वो है शिंसुके नाकामुरा रूसे वजह लूक एंडरसन कार्ल एडनसन एक टैग टीम मैच, और जो अगला सेगमेंट कंफर्म हुआ है वो है रैंडी ऑर्टन वर्सेज मुस्तफ़ा अली वन ऑन वन मैच, और ये फर्स्ट टाइम इन दोनों के बीच मैच होगा। और अगला मैच जो कंफर्म हुआ है वो है जेफ हार्डी वर्सेज डैनियल ब्रायन। तो गाइस, ये मैच है एलिमिनेशन चैम्बर के बिल्डअप के लिए, तो देखना होगा स्मैकडाउन लाइव और रॉ में क्या होता है। अगले सेगमेंट पे चलते हैं जो कि जुड़ी है अंडरटेकर से। तो गाइस, डे मेल्टजर ने बताया है कि अभी तक कंपनी ने अंडरटेकर के लिए कोई बड़ा मैच रेसलमेनिया के प्लान नहीं किया है, तो हो सकता है इस साल वो हमें लड़ते हुए नहीं दिखाई दे। तो गाइस, ये थी कुछ अपडेट डब्ल्यूडब्ल्यूई से जुड़ी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मेरी इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, शेयर करना ना भूलिए, और इस चैनल को आगे बढ़ाइए ताकि मैं ऐसी वीडियो आपके लिए उड़ाता रहूँ। तो मिलते हैं।